नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। इस चैनल के माध्यम से मेरे किसान भाइयों, मैं आपको हमेशा कृषि करने की सलाह देता हूं, और इसके साथ साथ जितने भी कृषि के यंत्र है या कोई फसलें हैं या कोई सब्जियां है, उनकी सभी की मैं आपको समय समय पर जानकारी देते रहता हूँ। इसीलिए आज 2019 चल रही है और 2019 के अंदर टमाटरों का भाव मेरे किसान भाइयों बहुत ही अच्छा टमाटर का भाव आया है। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगाई है वह मालामाल जरूर हुए हैं। तो इसी प्रकार मेरे पास के अंदर ये टमाटर की टाल लगी हुई है, और मेरे किसान भाइयों ये जो ट्रैक्टर देख रहे हो ये ट्रैक्टर मेरा है, और इसके अंदर जो कैरेटें भरी हुई है टमाटर की, ये मेरा स्वयं का खेत से टमाटर तोड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छे मेरे को 2019 के अंदर ये भाव मिल रहे हैं। और करीबन 4-5 साल से ये भाव आसमान के अंदर आए हैं टमाटर के, और ये 5 साल को जितना भी पिछले 5 साल को जो घाटा लगा था मेरे सब्जियों के अंदर, इस साल मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। और मैं ऐसे राजस्थान जयपुर ज़िले से हूँ, और राजस्थान जयपुर ज़िले के अंदर जितने भी किसान भाई है वह सभी खुश नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, हमारे एरिया के अंदर हर गांव के अंदर करीबन 5 से 10 टाल लगती है, और मंडी वाले गांव के अंदर टाल लगाकर खुद यहाँ से टमाटर खरीद लेते हैं उचित दामों के अंदर। तो ये देख लीजिए, ये हमारे टाल वाले हैं, मंडी वाले भाई साहब हैं, ये टमाटर पैक कर रहे हैं, इधर कैरेटें लगे हुई है, और ये जितने भी खड़े हैं ये किसान भाई है, और किसान भाई बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो मंडी के व्यवस्थापक है गोदारा जी, तो आज हम गोदारा जी से किसान भाइयों आपसे मुलाकात कराते हैं। तो गोदारा जी हमारे यूट्यूबर किसान भाई है, तो उनको आप टमाटर की अब की बार जो किसानों को मुनाफा हुआ है उसके बारे में एडवाइस दीजिए, और जो आने वाले समय है 2020-21 इनके अंदर टमाटरों का भाव कैसा रहेगा, आप हमारे किसान दर्शकों को ये पूरा संपूर्ण जानकारी दीजिए। देखो, एक तो टमाटर की क्वालिटी है ना, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। बाकी आने वाले 19-20 के बारे में तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक फसलें होती है, जैसे मौसम ठीक है, पानी और कम नहीं हुआ, पैदावार फसल बुआई ज़्यादा हुई, तो जितनी पैदावार बढ़ती है तो थोड़ा है ना खपत उसके हिसाब से बाज़ार मूल्य इनका कम बत्ती हो जाता है। बाकी इस बार की बात तो ये है कि पूरे साउथ से लेके यहाँ तक इस टाइम जो फसल चलने वाली थी उसमें टमाटर की फसल का उत्पादन बहुत कम हो गया, इसलिए करके अब की बार 2-5 साल से अच्छा भाव मिल रहा है, और ये भाव अभी जुलाई माह तक बढ़िया मिलेगा, जिनका टमाटर उनको बढ़िया भाव मिलेगा। और इसमें क्या, जैसे पैदावार में क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, एक तो फसल उत्पादन के साथ बीज कैसा लगाना है, समय पे पानी पिलाना। अब प्राकृतिक प्रकोप ऐसे हो गए, पानी नहीं है तो टमाटर की नहीं तो ये साइज और भी मोटी होती थी। तो ये चीज़ें करके है बाज़ार में, तो जिसको जितना माल चाहिए ना उससे अधिक अगर उत्पादन होता है तो उसका थोड़ा भाव घट जाता है, उत्पादन कम है तो भाव बढ़ रहा है। तो गोदारी जी, हमारे किसान दर्शकों को ये भी बताइए कि ये 2019 के भाव आप कहाँ तक किसान भाइयों को टमाटर किस भाव के अंदर खरीद लिए? अभी 2019 में आप समझो अभी शुरू में टमाटर की खरीद चली हमारी 8-10 रुपए से लेके चल रही है, और अभी इस टाइम बीच में खरीद चुके थे 15-16-20 तक भी टमाटर खरीदा हमने, और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 से 12 की रेंज में बाज़ार चल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि 10-15 दिन के बाद में टमाटर का बाज़ार 20 से अभाव होना चाहिए। और बाकी आप लोग तो जून महीना और मई में एंड तक ऐसे लगता है कि टमाटर 30-40 रुपए किलो हो जाएगा, क्योंकि पैदावार है ना जो बहुत कम है। अच्छा, तो मेरे क्या किसान दर्शकों को ये भी बता दीजिए गोदारा जी कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, टमाटर खरीदते हैं? मेरे टमाटर कंपनी का नाम है गोदारा टमाटर कंपनी, जिसका अचलपुरा बस्सी से रहने वाला हूँ मैं। और मैं अधिकतर क्या किसान के खेत के यहाँ से लोडिंग इसलिए करता हूँ कि मेरे को यहाँ ताज़ा माल मिल जाता है, किसान को दूरी पे नहीं जाना पड़ता है, सब काम एक नंबर से करते हैं। किसान का माल यहाँ से लिया, जैसे मंडी से ले रहे हैं उसी तरीके से हम यहाँ से लेते हैं। ये है तो यहाँ से लेने में क्या, जैसे किसान अभी लेट तक टमाटर तोड़ रहा है, अगर हम मंडी में इंतज़ार करते हैं तो जो शाम को माल कटता है ना वो मंडी में सुबह जाता है, तो अभी टेम्परेचर ज़्यादा है,
ये माल खराब हो जाता है। वैसे अधिकतर मंडी से भी लेना पसंद करते हैं, पर इसमें ये सुविधा हो जाती है कि जैसे अभी ये माल आ गया, ताज़ा कट के आया है, इसको अभी हम यहाँ से लोड करेंगे जैसे तीसरे दिन की मंडी, तो वहाँ भी ये ताज़ा का ताज़ा पहुँच जाएगा। ये करके मैंने अधिकतर किसान के खेत के नज़दीक से माल लेना पसंद करते हैं। गोदारा जी का कहना है कि किसानों के खेत से उठाने का मतलब यह है, टमाटर लेने का मतलब यह है, गाँव में टाल लगाने का मतलब यह है कि इनको ताज़ा माल मिल जाता है, और ये माल करीबन 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर देश विदेश में ये जाता है, तब ये ख़राब नहीं हो पाता है, क्योंकि ये टाइट रहता है नया माल। तो ऐसे ही मेरे किसान भाइयों, 2019 का मैंने वीडियो बनाया है, और 2018 का भी मेरे किसान भाइयों का वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिए आप। तो अभी किसान भाई बहुत ही खुश है, और हो सकता है आप भी किसान हो ही तो आप मेरे चैनल को देख रहे हो, तो टमाटर के भाव तो आपको भी पता होगा कैसे टमाटर के भाव चल रहे हैं और कितना प्रॉफिट किसानों को हुआ है। तो आज मैं इसी जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि टमाटर की फसल 2019 में जिन किसान भाइयों ने करी है उनके लिए वरदान साबित हुई है टमाटर की फसल, और बहुत प्रॉफिट और मुनाफा की फसल ये कहलाई है 2019 की। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप करें, और जो रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है तो ये सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ये बिल्कुल फ्री रहता है, और बगल की जो बेल घंटी है इसको भी आप जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री रहती है, और बगल की जब आप बेल घंटी दबाओगे तो मेरे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुँचेंगे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।